दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कोरोना वायरस के ऊपर। इसमें व्यू तो आ रहा था पर कोई एडवर्टेज नहीं आ रहा था, जिसका वजह यह है कि इसका जो डॉलर का सिंबल है वो येलो कलर में है। तो मैंने आखिर ऐसा क्या किया जो आप इस वीडियो में व्यू के साथ साथ एडवर्टेज भी आने लगा और इसका कलर जो है डॉलर का वो अब ग्रीन हो गया है। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आप देख रहे हैं हमारे नेट में आपका दोस्त इकबाल, चैनल पर नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया क्रोम ब्राउज़र में और अपलोड करने के बाद मैंने सोचा इसका मोनेटाइजेशन मैं ऑन कर दूं। तो जैसे मैंने मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहा तो यहाँ येलो डॉलर का सिंबल आ गया और इसमें लिखा है कि आपका यह वीडियो जो है वो एडवर्टेज फ्रेंडली नहीं है, इसमें इसलिए वीडियो में एडवर्टेज नहीं दिखाएंगे। तो मैंने सोचा ये तो दिक्कत हो गया। तो फिर यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा था मैनुअली रिव्यू का, तो मैंने मैनुअली रिव्यू में अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे फिर से लिख के आया कि आपका 7 दिन के बाद फीडबैक मिलेगा। तो मैंने फिर सोचा ठीक है, 7 दिन इंतज़ार कर लेते हैं। पर 7 दिन के जगह सिर्फ 1 दिन के बाद ही मुझे एक मेल मिला यूट्यूब टीम के तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था कि आपका यह वीडियो सारा एडवर्टेज फ्रेंडली है, इसलिए मैं आपके इस वीडियो के ऊपर जो है अब एडवर्टेज जो है चलेगा। तो यह देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसका कंफर्म होने के लिए मैंने जो है अपना मोबाइल का वाईटी स्टूडियो ऐप को खोला। वाईटी स्टूडियो ऐप को जब मैंने खोला तो देखा यहाँ पे जो वीडियो है वो ग्रीन डॉलर का सिंबल दिख रहा है। तो मैंने एक बार रिफ्रेश करके देखना चाहा तो सचमुच इसमें जो है डॉलर वो है ग्रीन आ चुका था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आ चुका है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा बात है, अब मेरा तो इस वीडियो का व्यू आ रहा है। तो मैंने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर भी ये देखना चाहा कि ये सही है या गलत। तो यहाँ भी मैंने एक बार रिफ्रेश करके देखा तो सचमुच इसमें जो है ग्रीन डॉलर का सिंबल आ चुका था। तो आखिर दोस्तों ये हुआ क्यों, मेरा क्यों येलो डॉलर से ग्रीन डॉलर आया और पहले क्यों येलो डॉलर था? वो इसलिए क्योंकि जब मैंने कोरोना वायरस का वीडियो बना रहा था तो मेरा टाइटल और टैग दोनों में जो है वायरस वर्ड का मैंने यूज किया था। वायरस एक इलीगल वर्ड है जिससे लगता है यूट्यूब को कि मैं कोई हैकिंग टाइप का वीडियो बना रहा हूं, जिसके वजह से वो मेरा इस वीडियो के ऊपर मोनेटाइज नहीं दिया था। तो अब अगर आप कोरोना वायरस के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो वायरस वर्ड का यूज ना करें, कोरोना का इस्तेमाल करें। या अगर आप कोरोना वायरस दोनों का यूज कर रहे हैं उस वर्ड का, तो आप इसको मैनुअली रिव्यू में फिर आपको डालना होगा वीडियो, तो ही आपका इस वीडियो के ऊपर जो है एडवर्टेज आएगा। तो इस तरह आप अपने वीडियो के ऊपर एडवर्टेज ला सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरह का जानकारी मिलती रहेगी। और अगर अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो 5 हमारा सर्च करके इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं वहाँ भी आपको हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।